18 करोड़, सूखा राहत 13 करोड़, आबादी पट्टा 16,000, उज्ज्वला गैस कनेक्शन 20,000 मिल चुका है। आवास में तो आपने कीर्तिमान स्थापित किया है, आपको बधाई देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में पहले नंबर आया। ताली मिला के आप अपना स्वागत है। 19,550, 16,600 बन गया, प्रधानमंत्री को नाम याद हो गया है। सिरोहा कौन सा क्षेत्र है, धमतरी जिला कौन सा क्षेत्र है, आपका नाम याद करते हैं, ऐसा जिला है। यहाँ के जिलाधीश को मैं, यहाँ के मंत्री अजय जी को, आप सभी के विधायक जी को, सांसद जी को और सारे प्रशासनिक अधिकारी को भी धन्यवाद दूंगा। ये ऐसा अभूतपूर्व काम यहाँ खड़ा हुआ, पूरे प्रदेश में देश में नाम यदि होता है सिरोहा का, धमतरी का 100% बिजली यदि कहीं पे लगता है, सबसे ज्यादा बिजली हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम होता है तो धमतरी में होता है, सिहावा में होता है, नगरी में होता है। बधाई आपको। शौचालय में पूरे देश में नाम होता है, प्रधानमंत्री जी जिसके याद करते हैं वो धमतरी है, सिहावा है, नगरी के लोगों ने आगे बढ़कर स्वच्छता अभियान में देश का मूल मंत्र देने का काम आपने किया है। इसलिए तो प्रधानमंत्री जी के नाम धमतरी, प्रधानमंत्री के दिल में सिहावा नगरी बसा हुआ है। इसलिए कल जो घोषणा हुआ नेरो गेज को ब्रॉड गेज पे बदलने के लिए 554 करोड़ रुपया आपको बिना मांगे, मांग तो होती रही है मगर इस जिले का सम्मान यही है, 540 करोड़ आपका स्वीकृत हो गया, ब्रॉड गेज से आप जुड़ गए, हिंदुस्तान से आप जुड़ गए, ऐतिहासिक कदम है, ये इतिहास बदलने वाला निर्णय है। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, ये है नरेंद्र मोदी जी की योजना, एक एक क्षेत्र को चिन्हांकित करके काम करते हैं। 700 करोड़ रुपया का तेंदुपत्ता का बोनस, 700 करोड़ का वितरण हो रहा है, न भूतो न भविष्यते, हिंदुस्तान के किसी राज्य में हमने तो 800 रुपया से बढ़ा के 1500 किया, 1500 से सीधा 2500 रुपया प्रति मानक बोरा दर किया और उसपे 700 करोड़ का बोनस। मैं आज दावे के साथ इस मंच में कह सकता हूँ, नगरी की सभा में, हिंदुस्तान में कोई राज्य नहीं है जिसने 700 करोड़ का बोनस दिया है हमारे वनवासी क्षेत्र के तेंदुपत्ता के संग्रह। ये है विकास का, चरण पादुका का वितरण का काम, उनके बच्चों के लिए काफी किताब, स्कूल के लिए पढ़ाई की योजना का काम, उसका बच्चा ये मेडिकल कॉलेज जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है, नर्सिंग जाता है, मेरा तेंदुपत्ता संग्रह का, उसके फीस देने की व्यवस्था का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, आपके लिए सरकार है, आपने बनाया है, आपके वोटों से बना है, आपकी वजह से डॉक्टर बन मुख्यमंत्री है, इसलिए मैं दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता, जनता की ताकत सबसे बड़ी है, आपका ही सम्मान है, आपकी वजह से फिर से विकास की इस गति को, इस रथ को आगे बढ़ाने के लिए ये विकास यात्रा निकाले हैं, विकास यात्रा निकला है, पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह का वातावरण है पर कुछ लोगों के अंदर उदासी है, दुखी हो गए, विकास यात्रा का विरोध करने लगे, मुझे आज तक समझ में नहीं आया विकास का विरोध क्या है। सड़कों का जाल बिछाना है, बिजली का जाल बिछाने का काम हुआ है, गांव गांव में काम खड़ा हुआ है, गांव गांव में स्कूल खुल गए, महाविद्यालय की स्थापना बड़े बड़े स्थानों में हमने की, एक एक काम का हमने शुरू किया। हमारे कांग्रेस के मित्र विकास का भी विरोध करते थे, मैंने कहा विकास के विरोध करते हो भैया, जब 60 साल कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला था, सरकार थी 2003 तक, दिग्विजय से लेकर कितने मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह चले गए, कभी गरीबों के लिए कोई योजना इस नगरी की सभा में मैं पूछना चाहता हूं, इस क्षेत्र की जनता से कि कांग्रेस ने कभी 60 साल के अंदर गरीबों के लिए कोई योजना बनाई, सिर्फ नारा लगाया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब और गरीब होता गया, पलायन करता रहा, भूख से मौत होती गई, कांग्रेस ने कभी वोट की राजनीति की। छत्तीसगढ़ में यदि गरीबों के लिए 1 रुपये किलो चावल, नमक और चना की योजना आती है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, कांग्रेस ने नहीं बनाया, गरीबों को चावल यदि मिल रहा है भर पेट खाने को, तो कांग्रेस ने, मैं पूछना चाहता हूं क्या कांग्रेस ने कभी 1 रुपया किलो चावल योजना बनाई थी, कभी कांग्रेस ने 1 रुपया किलो चावल देने की योजना बनाई थी 50-60 साल में,
पीछे वाले का भी मैं जवाब सुनना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने नमक की योजना, चना की योजना और 1 रुपये किलो चावल 60 साल में बनाया था? अब लगा कि अब आप लोग की जानकारी आई, क्या कांग्रेस ने 60-65 साल की राजनीति करते हुए मेरे गरीब के बच्चे के इलाज के लिए, वृद्धा के इलाज के लिए कभी 2000, 5000, 10000 के लिए बीमा की योजना कभी कांग्रेस ने बनाई थी? आज 50,000 का सबके पास स्मार्ट कार्ड है, दोनों हाथ उठा के बताइए कितने लोग हैं जिनके स्मार्ट कार्ड बने हुए, जिनके स्मार्ट कार्ड बने हैं, वाले के भी बने हैं, मेरा भी बना हुआ है। ये कोई छत्तीसगढ़ का व्यक्ति नहीं छूटता, कांग्रेस के मित्र देख लें, विकास ये है भाई, सबका 50,000 के इलाज की व्यवस्था, सबके लिए राशन की व्यवस्था, उज्ज्वला योजना में घर घर में गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था, उस घर में उजाला योजना में घर घर में बिजली देने की योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण में पारा टोला मंजरा में विद्युत देने की योजना, इतनी योजना बनाई है कांग्रेस ने 60 साल में। यदि एक एक योजना बनाया होता तो मेरा गरीब व्यक्ति और बेहतर होता। कभी इन्होंने ना बोनस की चिंता की, इन्होंने भी कभी किसान की चिंता की, ना युवकों की चिंता की, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते रहे। आज मैं आया हूं आपके पास, विकास की उन योजनाओं को देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। खासतौर से मैं जब देख रहा था सोनडूर का जो सबसे प्रमुख माम सोनडूर प्रदाय नहर की नगरी वितरक शाखा दुगली नहर का विस्तार 60 करोड़ का हुआ, ये सबसे बड़ी मांग इस पूरे क्षेत्र की जनता का। 60 करोड़ के ये इस क्षेत्र की जीवन रेखा। मैं पिछले बार विकास यात्रा में संपर्क में आया था, वहां आप लोगों ने मांग रखा था, विधायक जी ने मांग रखा था, सांसद जी ने मांग रखा था, अजय जी ने मांग रखा था, यहां के बैठे हुए मंच में सभी लोगों ने कहा था ये सोनडूर प्रदायक नहर बन जाएगा, इस क्षेत्र की जीवन रेखा बदल जाएगी। आज उसका काम शुरू हो रहा है, आप सबको बधाई देने आया हूं। बंदरी नगरी मार्ग का नवीनीकरण में 61.20 किलोमीटर 17 करोड़, कुंडेल से किशोरी मार्ग की लंबाई 5 किलोमीटर 8 करोड़, अटल समरसता भवन, उपमंडल अधिकारी, धान का बोनस, फसल बीमा, सूखा राहत, उज्ज्वला योजना, न जाने कितनी योजनाओं का मैं नाम देख रहा था, जिस योजनाओं का आज विस्तार के साथ मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। विधायक जी ने बहुत डिटेल बताया है कि कितने पुल पुलिये, कितने सड़क का निर्माण किया, कितने क्षेत्रों में विकास के काम हुए। मुझे आज खुशी है कि आज 100 करोड़ की लागत के 21 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ, इसमें किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और खास तौर से जिन पुल पुलिये का निर्माण हुआ जिसकी जानकारी दिया। मैं तो महत्वपूर्ण विषय बोलना चाहता हूँ, बिजली में तो सबसे बड़ा काम हुआ है, 267 में से 332 बसाहट और 216 में से 1,600, इस पूरे क्षेत्र का 60% विद्युतीकरण हुआ। 15 करोड़ की लागत से मोहदी में 132-133 केवी का उपकेंद्र की स्थापना, मगरलोड के करंदे गांव के लो वोल्टेज की समस्या का समाधान, 50 करोड़ की लागत से नगरी में 132-133 केवी का उपकेंद्र का निर्माण, 33-11 केवी के उपकेंद्र के निर्माण 3 से 14 हो गया, इतनी सारी योजनाएं। 5 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री ऊर्जा प्रवाह योजना में कांगापानी अमरेडी मोहरा में विद्युत उपकेंद्र, 44 गांव का लो वोल्टेज की समस्या का समाधान, 48 लाख की लागत से मुख्यमंत्री आंतरिक विद्युतीकरण 31 गांव का, सौर उजला से 431 नक का, इन योजनाओं को मैं देख रहा हूं। इस क्षेत्र में क्योंकि यहां के हमारे मंत्री इस स्थानीय पंचायत राज मंत्री है, उनको मैं धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा अजय सुधाकर जी को, स्वर्ण मरकाम जी को, हमारे जिला पंचायत धमतरी के अध्यक्ष रघुनंदन साहू, संजय श्रीवास्तव जी, निरंजन सिंह रामू डोगरा जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी जो आज यहाँ मौजूद है, विक्रम उसेंडे जी, सांसद पिंकी ध्रुव जी, सरला जैन जी, अर्चना चौबे जी, नंद कुमार यादव जी, युवराज शाह जी, अजय नाहटा जी, पत्तेलाल जी, श्रीमती सीतावती ध्रुव जी और यहाँ के SP कलेक्टर और सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण। आज मैं इस विकास यात्रा में आपकी दर्शन करने आया था,
और इस पूरे क्षेत्र में जितनी योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं के बारे में आज भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। दो योजनाओं के बारे में संक्षिप्त में बताते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। एक सबसे बड़ी योजना जो हमारी बहनें बैठी है, महतारी बैठी है, योजा बैठे हैं, उनके लिए इस पूरे क्षेत्र की नगरी धमतरी और पूरे क्षेत्र की जनता को बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी योजना स्काई योजना में आने वाले 4 महीने में 50 लाख से ज्यादा लोगों को स्मार्टफोन का वितरण हम करने वाले हैं। 50 लाख इस फोन के बन जाने के बाद, टावर लग जाने के बाद गांव गांव में हम कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6000 किलोमीटर केबल का लाइन बिछा रहे हैं। अगली बार मैं आऊंगा तो आप सबके हाथ में मोबाइल फोन होगा। हमारी माता हमारी बहनें अपने गांव से बैठकर मुख्यमंत्री को हेलो हेलो कर सकती है, ये ऐसा स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है। दूसरी बड़ी योजना जिसके बारे में इस सभा में बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना, दुनिया की सबसे बड़ी योजना जिसको लागू करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, किसी व्यक्ति को बीमार हो जाए, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, किसी का लीवर का प्रॉब्लम हो जाए, किसी का किडनी में प्रॉब्लम हो जाए, डायलिसिस करने की जरूरत पड़ जाए, कैंसर हो जाए, इलाज के लिए 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख खर्च होता है, घर बिक जाता है, आदमी बर्बाद हो जाता है, इलाज नहीं कर सकता। हमने 50,000 तक की व्यवस्था की है, 50,000 तक की व्यवस्था की है, पर मैं जानता हूं 50,000 में इलाज नहीं होता। प्लेटफॉर्म से बिराते हैं, संजीवनी को शिथिल करके हमारे जनप्रतिनिधि मेरे पास और उसको शिथिल करते हैं। प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया ये प्रॉब्लम हमारी समस्या है, सियावा नगरी धमतरी नहीं पूरी छत्तीसगढ़ की समस्या है, गरीबों का इलाज पूरी तरीके से हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, यदि आप विकास यात्रा में निकले हो आप गांव गांव के लोगों को बता दो कि छत्तीसगढ़ के 37 लाख परिवारों के लिए सबसे बड़ी योजना लेकर आ रहे हैं, 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था, 5 लाख तक की। एक बार प्रधानमंत्री जी के नाम से आयुष्मान भारत योजना के लिए दोनों हाथ उठा के ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। 5 लाख की योजना गरीबों के लिए, दुनिया में ऐसी योजना नहीं है जिसका क्रियान्वयन हम आने वाले समय करें। ये है विकास, कांग्रेस को बताना पड़ेगा। जो नहर का निर्माण विकास होता है, सड़क का निर्माण विकास होता है, बिजली का लगना विकास होता है, सोलर ऊर्जा का लगना विकास होता है, बच्चों को स्कूल पढ़ाने का काम विकास होता है, तुमने नहीं किया इसलिए 15 साल विपक्ष में बैठे रहे, विकास का विरोध करते रहोगे 15 साल वही फिर बैठे रहोगे चिंता करने के लिए। छत्तीसगढ़ की पूरी जनता साथ है, छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद साथ है, विकास यात्रा सतत जारी है और आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं अमित शाह जी, और उसके बाद इस विकास यात्रा को आशीर्वाद देने प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। यह है विकास यात्रा। बहुत सारी मांगे छोटी छोटी बड़ी बड़ी सबने दिया, जिसका जिला पंचायत सरपंच सबने दिया, मैं सब एप्लीकेशन को रख लिया हूं, पढ़ नहीं पाया हूं, देख रहा था 1.5 किलो वजन का हो रहा, आगे जाके पढ़ूंगा उसके क्रियान्वयन करूंगा, आप चिंता मत करिए। आपने एक ही मांग रखी है और वो मांग रखी है कि आने वाले समय के लिए कुकरेल को जो उप तहसील है उसको तहसील का दर्जा मिल जाए। मैंने कलेक्टर को निर्देशित किया है कि प्रस्ताव भेजे और उसको हम 1 हफ्ते में तहसील का दर्जा बना देंगे, कुकरेल तहसील हो जाएगा, इस क्षेत्र के बड़े क्षेत्र की समस्या का निराकरण होगा। और बाकी मांगों के लिए आपके अजय चंद्राकर जी हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, और कोई छोटी मोटी दिक्कत होगी उसका निराकरण करेंगे। अद्भुत आपने यहां स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। संबंधित विभागों का मैं नाम पढ़ रहा हूं, बातें चले जाएंगे। मुख्यमंत्री आबादी पट्टा का वितरण किया जाना है, जिसके अंदर है परेश कुमार सिदारूला त्रिनोवर पिता बरातू श्री राजकुमार पिता जगत, ये नवागांव डोईपदर और भूमका के लोग हैं जिन्हें मुख्यमंत्री आबादी पट्टा का वितरण किया जा रहा है। उनके नाम इस प्रकार से श्री परेश कुमार श्री नोहर श्री राजकुमार। इसके पश्चात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस को वितरण किया जाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के नाम है श्रीमती भगवंतीन बाई
नगरी से श्रीमती कैकेयी सोहा नगरी से, साथ ही श्रीमती सोनिया गायकवाड़, इन सभी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जैसी जनमंच से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार से आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा विशेष पिछली जनजाति समारोह को छाता एवं वीडियो का उत्सर्ग किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत श्रीमती देव कुमार बाई बरपारा माखरगंगा से, श्री रामलाल पिता धनीराम कुमार कुम्हारमुड़ा से एवं श्री मंगलू बरपारा माखरगंगा से उन्हें आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा विशेष पिछली जनजाति समारोह को छाता एवं वीडियो वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार से विभिन्न हितग्राहियों को विभिन्न योजना के अंतर्गत अलग अलग सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वितरण, प्रधानमंत्री तो धमतरी से मुख्यमंत्री